एक वक्त था जब घरों में सिर्फ पीले बल्ब लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक का लेवल बढ़ा, साइंटिस्ट ने एक नए किस्म के बल्ब की खोज की जिसे CFL कहा जाता है। इसकी रोशनी सफेद होती है जिसमें थोड़ा नीला रंग भी होता है। ये रात में जब जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया हो। इसके साथ ही पीले बल्ब की कंपेयर में बिजली भी कम खाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी इसे प्रमोट किया। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तरफ जहाँ CFL के इतने फायदे हैं तो वहीं दूसरी ओर इसके नुकसान भी हैं। कुछ रिसर्च में सामने आया है कि इसकी रोशनी से इंसानों में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसराइल के हाइफा यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के प्रोफेसर अब्राहम हाइम की एक रिसर्च रिपोर्ट क्रोनोबायोलॉजी इंटरनेशनल नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में प्रोफेसर अब्राहम हाइम कहते हैं कि CFL से निकलने वाली नीली रोशनी जब हमारे बॉडी पर पड़ती है तो उससे हमारे शरीर में बन रहे मेलाटोनिन नाम के हार्मोन कम होने लगते हैं। दरअसल मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं को बचाता है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पुरुष रात में CFL बल्ब जलाकर सोते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 22% इंक्रीज होता है। CFL को लेकर जर्मनी के साइंटिस्ट ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसे फेडरेशन ऑफ जर्मन इंजीनियर के आंद्रेस किशनर का कहना है कि CFL बल्ब स्ट्रीन, फेनॉल और नेफ्थलीन जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं। इसके साथ ही जब ये जलते हैं तो इनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक स्मोक जमा हो जाता है। ये इंसानी शरीर के लिए बेहद घातक साबित होते हैं, इसलिए इन बल्बों का सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। खास तौर से इन बल्बों का यूज ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां हवा के आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी ना हो, और सिर के पास तो इन बल्बों को भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए।